दोस्तों बॉलीवुड के सुपरस्टार्स की अगर बात करें तो बॉलीवुड में अब ऐसा माहौल चल रहा है कि साउथ के एक्टर्स और साउथ की फिल्मों को बॉलीवुड के लिए खतरा माना जा रहा है। और ऐसी बातें चलती हैं कि जब भी कोई साउथ की फिल्म आती है तो बॉलीवुड वाले उसको फ्लॉप कराने की पूरी साजिश भी रचते रहते हैं। लेकिन दोस्तों अब साउथ की तरफ से साउथ के सुपरस्टार माने जाने वाले सूर्या कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो बॉलीवुड के लिए बहुत ही बड़ा खतरा होने वाला है। और दोस्तों ऐसा सूर्या का या फिर साउथ फिल्म इंडस्ट्री का नहीं मानना, खुद बॉलीवुड इंडस्ट्री का ऐसा मानना है। देखिए बॉलीवुड सिनेमा के लिए बीते कुछ समय से साउथ की फिल्में खतरे के तौर पर सामने आ रही हैं और इन फिल्मों का कंटेंट और पिक्चराइजेशन दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, जो बॉलीवुड के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। और इसी कड़ी में साल 2024 में साउथ की कई बड़ी फिल्में सामने आने वाली हैं और इनमें से एक फिल्म के हालिया रिलीज टीजर को लोगों ने इतना प्यार दिया है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और दोस्तों ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस मूवी का केवल टीजर ही आया है और मात्र टीजर देखने के बाद ही इस मूवी को ब्लॉकबस्टर साबित कर दिया गया है और लोग कह रहे हैं कि ये मूवी सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। लेकिन साउथ सिनेमा में कई खास एक्टर्स हैं जिनकी फिल्में देखने के लिए दर्शक इंतजार करते रहते हैं और इस कड़ी में सितंबर में दर्शक प्रभास की फिल्म सालार का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इससे पहले 10 अगस्त को रजनीकांत की फिल्म जेलर आने वाली है और इसी तरह साल 2024 में भी एक खास एक्टर की फिल्म आने वाली है। और दोस्तों मैं जिस एक्टर की बात कर रहा हूं वो है सूर्या। और सूर्या ने हाल ही में अपना 48वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है और इस दिन यानी 23 जुलाई को उनकी अपकमिंग फिल्म का टीजर जारी किया गया था और फिल्म का टीजर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और लोग अब इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए सूर्या की अपकमिंग फिल्म का नाम है कंगवा और इसमें वो एक योद्धा के तौर पर नजर आने वाले हैं और फिल्म को आदि नारायण ने लिखा है और इसे शिवा डायरेक्ट कर रहे हैं। और एक एक्शन पैक्ड ड्रामा में सूर्या बिल्कुल अलग अवतार में नजर आ रहे हैं और फिल्म में उनके साथ दिशा पाटनी भी नजर आएंगी। देखिए फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर ये है कि ये फिल्म 3D में रिलीज होगी और साथ ही एक या दो नहीं बल्कि पैन इंडिया फिल्म 10 भाषाओं में रिलीज होगी। और बताया जा रहा है कि फिल्म को साल 2024 की शुरुआत में ही रिलीज करने का प्लान बना लिया है। मतलब कि दोस्तों 2024 साल के शुरुआत में ही साउथ सिनेमा बॉलीवुड को इतना बड़ा झटका देने वाला है कि पूरी साल बॉलीवुड सिनेमा फिर उभर ही नहीं पाएगा। बाकी दोस्तों आपको कंगवा का टीजर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलता हूं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।